नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, अगर आप वाहन चलाते हैं तो दो नए नियम आ गए हैं, आप इन नियम के बारे में जान लीजिए, नहीं तो आपको 25,000 रुपये तक भरना पड़ सकता है। अगर दोस्तों आपके घर में गैस सिलेंडर है तो आपके लिए खुशखबरी है, तो चलिए जान लेते हैं पूरा डिटेल से। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर दोस्तों आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आपका पैसा नहीं जाएगा, बस मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा आगे नई नई वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, अगर आप भी वाहन चलाते हैं तो दो नए नियम लागू हो चुके हैं जिसके बारे में आप सभी को जानना बेहद ही जरूरी है। नंबर एक, सबसे पहले नियम के बारे में हम आपको बता देते हैं। अगर आपका वाहन कोई भी 18 साल से नीचे का व्यक्ति चलाते हुए पकड़ा जाता है या तो उसके हाथों किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति की गाड़ी के मालिक पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और ऐसा करने वाले लोगों के लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो दोस्तों, ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके घर में कोई 18 साल से नीचे का लड़का है या तो आपका कोई दोस्त है, तो आप उसको बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने ना दें, नहीं तो यह घटना आपके साथ हो सकती है। नंबर दो, दोस्तों मैं आपको दूसरी बड़ी खबर के बारे में बता देता हूँ। अब अगर आप कोई नया वाहन लेने जाते हैं, दो पहिया हो चाहे चार पहिया, अगर आप कोई नया वाहन लेने जाते हैं तो उसके साथ में आपको 5 साल का इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, अब अगर आप कोई 2-व्हीलर वाहन लेते हैं तो आपको 5 साल का इंश्योरेंस करवाना होगा, लेकिन अगर आप 4-व्हीलर लेते हैं, 4 पहिए वाला वाहन लेते हैं, तो आपको 2 साल का इंश्योरेंस करवाना होगा और यह अनिवार्य भी है। इस दोनों नियम को मोदी सरकार के देखरेख में पूरे देश में लागू कर दिया गया है। नंबर तीन, दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर आपके घर में गैस सिलेंडर है तो आपके लिए अच्छी न्यूज है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या न्यूज है। बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर में 120 रुपये की गिरावट आ चुकी है और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर में 5 रुपये की गिरावट हो चुकी है। ऐसे में नए साल के मौके पर इस खुशखबरी को मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया है और दोस्तों मोदी सरकार के इस फैसले से लोग काफ़ी खुश हैं। तो दोस्तों, आप खुश हैं कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताना। आपको कौन सी न्यूज़ अच्छी लगी, 1, 2, 3, ये भी कमेंट करके बता देना। दोस्तों, आप अपना फीडबैक हर वीडियो में जरूर दीजिए ताकि हमको भी पता चले कि लोग हमारी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने मेरी वीडियो के लिए इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।